बैठक शिवसेना की और चेहरा आयुक्त संजय काटकर का, ये सवाल कितना सही और कितना गलत, ये इस वक्त खुद संजय काटकर से पूछा जा रहा है। दोस्तों, शमशान भूमि पर छिड़ी बहस अब शांत होती हुई नजर आ रही है। ये बहस शांत करने के लिए बाकायदा ओड़ा मजीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाइक को एक बैठक करनी पड़ी, जहां शमशान भूमि का विरोध करने वाले सभी सोसाइटी रहवासी मौजूद थे। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये जो बैठक है इसमें तमाम लोग मौजूद थे, जहां पर उन्होंने जानकारी दी कि शमशान भूमि को लेकर जो प्रस्ताव था उसको कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान दोस्तों जो तस्वीर खटकी वो थी इस बैठक में मीरा भायंदर मनपा आयुक्त संजय काटकर की मौजूदगी। इस बैठक के बाद क्या चर्चा शुरू है आपको सब बताऊंगी इस खबर में, इस वीडियो में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं MB लाइव। शमशान भूमि पर लिया गया फैसला नागरिकों के विरोध के बाद प्रताप सरनाइक ने बदल दिया है। उनका कहना है कि वो नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनकी मांग खाली नहीं जाने देंगे। हम इससे पहले दोस्तों आपको दिखा चुके हैं कि प्रताप सरनाइक ने मीडिया से संवाद साधते हुए क्या कुछ कहा था, खासकर शमशान भूमि के मुद्दे को लेकर क्या कहा था उन्होंने, ये आपको दिखा चुके हैं, इसलिए दोबारा उनका बयान हम आपको नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक तस्वीर आपको इस वक्त स्क्रीन पर जरूर दिखा रहे हैं। तस्वीर में आपको शिवसेना का बैनर नजर आ रहा होगा, खुद विधायक प्रताप सरनाइक नजर आ रहे होंगे, विक्रम प्रताप सिंह नजर आ रहे होंगे और 146 विधानसभा प्रमुख सचिन मांजरेकर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अहम चेहरा किसका था? अहम चेहरा है उनके बीच खड़े, उनके बीच मौजूद मीरा भायंदर महानगर पालिका आयुक्त संजय काटकर का चेहरा। ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि जब MBMC के अधिकारियों से या खुद आयुक्त साहब से किसी राजनीतिक मामले पर कुछ प्रतिक्रिया ली जाती है, पत्रकार बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनका कहना होता है कि भाई इस पर हमें बोलने का अधिकार नहीं है। तो फिर प्रताप सरनाइक द्वारा बुलाई गई शिवसेना की बैठक में संजय काटकर जी मौजूद कैसे थे, ये सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है। न सिर्फ मौजूद थे बल्कि शमशान भूमि को लेकर बयान भी दे रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों, जहां ये बैठक हुई वो शिवसेना का यानी प्रताप सरनाइक का जनसंपर्क कार्यालय था। चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि ये जो मामला है महानगर पालिका से भी जुड़ा हुआ है, इसमें महानगर पालिका की भी भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि सोसाइटी ने बाकायदा 40 से ऊपर लेटर्स जो है वो महानगर पालिका को दिए, खुद आयुक्त संजय काटकर जी को दिए। लेकिन फिर अगर ऐसा था तो मनपा आयुक्त साहब को या तो ये मामला अपने ऑफिस में सुलझाना चाहिए था, या फिर एक सरकारी आवास जहां पर उनका खुद का ऑफिस है, उनका खुद का कार्यालय, वहां पर सुलझाना चाहिए था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मनपा आयुक्त किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं, या फिर क्या उनका एक राजनीतिक पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय में हाजिरी लगाना ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है क्या? हालांकि दोस्तों मनपा आयुक्त की तरफ से इस पर अभी तक किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल इन तमाम सवालों का जवाब खुद मीरा भायंदर मनपा आयुक्त की तरफ से कब आता है इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्रतिक्रिया सामने आए तो वो भी आपको दिखाएं। लेकिन आखिर ये शमशान भूमि का मामला क्या है, ज़रा इसको ध्यान से समझ लीजिए। वैसे तो इससे पहले आपको जितने भी वीडियोज़ हमने दिखाए हैं उससे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन संक्षिप्त विवरण में आपको ये बता देते हैं। दरअसल दोस्तों इंद्रलोक फेस 6 में सर्वधर्मीय शमशान भूमि बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन फिर वहाँ के जितने भी नागरिक थे, सोसाइटी रेजिडेंशियल्स थे, उन्होंने विरोध जताया, जो हमने आपको दिखाया भी था, बाकायदा रिपोर्ट की थी। अब एक तरफ जहाँ विरोध हुआ तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कमेंट के जरिए मामले का समर्थन भी किया। वो कुछ कमेंट्स इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पर आप देख पा रहे होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रताप सरनाइक ने जो किया वो सही किया, शमशान भूमि वहीं बननी चाहिए। इस पूरे मामले पर हमने RTI एक्टिविस्ट प्रदीप जंगम से भी बात की, उन्होंने नागरिकों के विरोध को गलत बताते हुए शमशान भूमि का जो प्रस्ताव था पहले वाला उसका समर्थन किया और ये कहते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बकायदा वीडियो दिखाते हैं, उनसे बातचीत की है हमने, ये वीडियो देखिए आप। देखिए सबसे पहली बात तो शमशान भूमि के हिसाब से इस मीरा भायंदर की आबादी आज के डेट में 18 से 20 लाख तक सबसे फास्ट ग्रोइंग अगर सिटी है तो मीरा भायंदर वैसे विरार है पूरे एशिया में। मीरा भायंदर की अगर बात करेंगे तो आज आबादी 20 लाख के ऊपर है। इस मीरा भायंदर वेस्ट में आज जिस शमशान भूमि हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे एट ए टाइम 4 जन को हम लोग यहाँ पे अग्नि दे सकते हैं। अगर कोई पाँचवा आता है तो उसको 4 घंटा वेट करना पड़ता है। तो भायंदर वेस्ट के लोग जाएंगे कहाँ पे? दूसरी बात, मीरा भायंदर ईस्ट में एक गोड़देव शमशान भूमि है, एक नौगढ़ शमशान भूमि है,
गुरुदेव की जो इंद्रलोक के नाके पे है वहाँ पे भी ऐसा है कि 4 दिन पहले वहाँ पे भी एट ए टाइम 6 बॉडी आई थी, उसमें से 2 4-4 घंटा वेटिंग में थी। इंद्रलोक के जो विरोध कर रहे अभी वो उनके घर के सामने तो नहीं बन रहा था। और सबसे पहली बात तो इको फ्रेंडली स्मशान भूमि थी उसमें, ठीक है उन लोगों ने उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया, इसके लिए वो मामला पेचीदा हुआ, लोगों को भड़काया गया बीजेपी के नेताओं के थ्रू। देखिए स्मशान भूमि ये बहुत पवित्र जगह है, कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे कोई डांस बार नहीं खुल रहा था, लेकिन इंद्रलोक के रहवासी डांस बार के अगेंस्ट में कभी मोर्चा खोल के कभी कमिश्नर के सामने नहीं गया। बहुत सारे लोगों का तो ऐसा था कि यहाँ पे स्मशान भूमि बनेगा तो हमारे बच्चों के फ्यूचर खराब हो गए। बच्चों के फ्यूचर कैसे खराब होंगे, वहाँ पे इस शहर में 7वीं तक स्कूल है उसके लिए कभी इंद्रलोक के रहवासी आगे नहीं आए, इस शहर में मेडिकल कॉलेज नहीं है इसके लिए कभी आए नहीं आगे आए नहीं, इस शहर में लॉ कॉलेज नहीं है इसके लिए कभी आए नहीं है। जितने भी सेक्टर आज बनाए सब प्राइवेट जगह पे बने, सब गवर्नमेंट जगह पे प्राइवेट लोगों ने आज चला रहे। जिस इंद्रलोक स्मशान भूमि की बात कर रहे थे उसमें जैन लोगों का भी मुनि का भी एक दफन भूमि था, उसमें हम लोग भी है, हम लोग लिंगायत सेक्ट है, हम लोग के यहाँ पे शिव का शिवलिंग जो है परिधान करते हैं, हम लोग को अग्नि नहीं दी जाते, हम लोग को भी समाधि लेनी पड़ती, तो हम लोग की भी दफन भूमि थी वहाँ पे। दूसरी बात मुस्लिम कब्रिस्तान था, आज नया नगर में आज जितनी आबादी बढ़ती है, ठीक है एक मीरा रोड का स्मशान भूमि है वहाँ पे भी मतलब अगर कोई बॉडी वहाँ पे आप दफन करते हैं एटलीस्ट 6 महीना जाता है उसको जी। ये विघटन होने के लिए तो आखिर में बॉडी दफन करेंगे कहाँ पे। इंद्रलोक से नौगर रोड जाते हैं स्टेशन पे, क्यों आपके पास भी तो ऑप्शन है, घर के सामने तो बन रहा है ना, और घर के सामने मतलब घर को लग के तो नहीं है, एक आधा किलोमीटर तो दूर है ना, आपके से विंडो से दिख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ गलत काम तो नहीं हो रहे हैं ना, लेकिन और पूरा पैक है वो इलेक्ट्रिक, अभी आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये भी है मशीनरी लगी हुई है, उसमें पैक रूम रहता है। तो दफन भूमि ज़रूरी है इस शहर में, आज उत्तन में भी बन रहा है, वहाँ पे भी लोग अभी विरोध करेंगे तो बनेगा कहाँ पे, ऐसा ये सोचना चाहिए सब लोगों को। जी तो जैसा आपने देखा कि प्रदीप जंगम ना सिर्फ इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे बल्कि ये भी बोल रहे थे कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं दिया जाना चाहिए था। अब चलिए शमशान भूमि पर लिया गया फैसला तो बदल दिया गया, लेकिन सुई यहीं आकर अटकी है कि राजनीतिक पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय में आयुक्त संजय काटकर आखिर क्यों पहुंचे थे। न सिर्फ पहुंचे थे बल्कि वहां पहुंचकर उन्होंने बकायदा बयान भी दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त की मौजूदगी पर उठ रहे सवाल सही है या फिर नहीं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।